हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित और आज मैं आपको बताऊंगा जो रुक्स एफएक्स से आप कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो आपको ये फाइल मिल जाएगी और इसमें आपको पासवर्ड मिल जाएगा। ये देखिए, ये हम पासवर्ड को कॉपी करते हैं और इसके बाद आपको ये फाइलें जो 9 फाइलें हैं वो आपको डाउनलोड करनी है। इस पर राइट क्लिक कीजिएगा, स्ट्रेक हेयर ऑप्शन आ जाएगा, आप 7 GB या बिन रॉड से स्ट्रेक हेयर कर लीजिएगा। ओके, तो ये पासवर्ड मांगेगा, तो सबसे पहले आपको पासवर्ड को कॉपी करना है। पासवर्ड हम इसमें पेस्ट कर देते हैं और ओके कर देते हैं। ये देखिए हमारा स्ट्रेक हेयर हो रहा है और इसमें जो पासवर्ड दिया गया है ये क्रैक का पासवर्ड है, ये आपको बाद में क्रैक करना है। तो देखते हैं इसके जो फोल्डर है वो हमारा स्ट्रेक हेयर हो रहा है। इसमें देखिए नंबर 1 पे आपका सॉफ्टवेयर मिल जाएगा और दूसरे में आपका डाटा मिलेगा। तो अभी ये देखिए स्ट्रेक हेयर हो जाए, चलिए देखिए थोड़ा थोड़ा ये बचा है। तो तब तक हम जो सॉफ्टवेयर है इसे रन कर देते हैं। इसे रन कीजिएगा, 2 बार क्लिक कीजिएगा, ये आपकी डी ड्राइव में ऑटोमेटिक ही इंस्टॉल हो जाएगा। देखिएगा यहाँ से इसे यस कर दीजिए। नेक्स्ट, आई एग्री और ये देखिए डी ड्राइव में आपका पहुंच जाएगा। इसे इंस्टॉल कर दीजिए। ये देखिए इंस्टॉल हो रहा है और इसके बाद अब आपको क्या करना है, जो दूसरा है कॉन्टेक्ट पैक, इसे आपको जो स्टार्ट है इस पर 2 बार क्लिक करना है। ये ऑटोमेटिक जो इसमें डाटा है वो कॉपी कर देगा, तो इस पर 2 बार क्लिक कीजिएगा। ये देखिए ये काम करना चालू हो गया, ये ऑटोमेटिक फाइलों को कॉपी कर रहा है। फिर इसके बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ से बैक आना है और ये देखिए जो क्रैक वाला है उसे आपको स्ट्रेक हेयर करना है। ध्यान रहे ये आपका पूरा होने के बाद ही आप कीजिएगा। देखिए क्रैक का पासवर्ड ये है, क्रैक का पासवर्ड कॉपी करते हैं। और इसमें पेस्ट करते हैं। अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है इसलिए कट कर देते हैं। और देखिए अब आपको क्या करना है, आपका जो भी EDS हो, 7 हो या 8 हो, उसे आपको ओपन करना है। ओपन फाइल लोकेशन पे जाना है पहले तो, और उसके बाद प्लगन वाले में आइएगा। तो देखिएगा ये हमारा प्लगन वाला एफएक्स है जो कि 2.91 MB का है। इसे आपको कॉपी करना है इसमें और रिप्लेसमेंट। और फिर प्रीसेट में आना है और ये आपकी 292 KB की फाइल है, इसे आपको स्ट्रेक हेयर करनी है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर यानी कि कॉपी करनी है।
फिर आपको क्या करना है, ये जो सेटिंग वाली फाइल है इसे आपको कॉपी करना है और डी ड्राइव में रिस्क एफएक्स वाले में यहाँ पर पेस्ट करनी है। फिर अब आपको क्या करना है, ईडीएस को ओपन करना है। आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप एक बार जो ईडी पीसी है अपना आप रीस्टार्ट करके ओपन कीजिएगा, तब आपका बहुत सही से काम करेगा। यहाँ पर तो देखिए, देख रहे हैं यहाँ पर आता है कि नहीं। अभी यहाँ पर फिलहाल में इफेक्ट नहीं आया, तो हम इंपोर्ट कर लेते हैं। यहाँ पर राइट क्लिक कीजिएगा, इंपोर्ट। और ये देखिए हमारा सी ड्राइव में EDS 8 प्रीसेट, और यहाँ से हम रिस्क इफेक्ट को डाउन यानी कि इंपोर्ट कर लेते हैं। और इसके बाद यहाँ पर देखिए ये हमारे आ चुके हैं। चलिए अब आपको एक यूज करके दिखा देते हैं। आप एक बार अपने पीसी को रीस्टार्ट करके यूज करेंगे तो अब आपका ज़्यादा सही से यूज होगा। देखिएगा जब आप इसे रेंडर कर लेंगे तब तो आपका एकदम स्मूथ चलेगा। देखिए और भी काफ़ी इफेक्ट हैं। से हम रेंडर